आज हम इस वक्त एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है वो जानने के लिए आप पहुंचे हैं। ये गेट के अंदर है जो बड़ा हुआ है, हम जानते हैं इस गेट के अंदर जाके क्या खास यहाँ पर हुआ है, क्या ऐसा है जो बुलाया गया है मीडिया को यहाँ पर रूबरू होने के लिए। बातचीत करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीर। फिलहाल हम लोग हैं ये हिसार के बिश्नोई हॉस्पिटल में और एक तरह से यहाँ दंपति बैठे हैं। भाई साहब वीडियो बना रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो वीडियो बना रहे हैं, आपने जैसे कि मीडिया को जानकारी दी है, आप कह रहे हैं कि शादी के 33 साल बाद संतान प्राप्ति हुई है, क्या हुआ, कहाँ से आप लोग? हम हनुमानगढ़ जिले से देहीदास गाँव में। अच्छा। नौर तहसील। तो यहाँ पे जैसे इलाज कब से करा रहे हो आप? एक साल हो गया। एक साल। तो आज आपको संतान प्राप्ति यहाँ पर हुई है? हाँ हुई है। शादी के कितने साल हो गए? 33 साल। 33 साल। तो इससे पहले कहाँ कहाँ आप लेके इलाज कराया है? पहले हमने बीकानेर से जयपुर से करवाया था। अच्छा तो वहां से कोई अभी संतान प्राप्ति नहीं? वहां से हमें कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा और यहाँ से हमें क्या संतान प्राप्त हुआ है? अच्छा तो जैसे कि आज कितने दिन हो गए आपके यहाँ बच्चा हुआ? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, तो कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। तो आपने मीडिया को भी पूरी जानकारी दी है कि हाँ यहाँ पे मेरे को संतान प्राप्ति हुई और मीडिया के लिए आपने वीडियो भी बनवाई है, अपनी मर्जी से बनाई या कहीं ना कहीं? अपनी मर्जी से। अच्छा मर्जी से बनवाई। मर्जी से बनवाई। मैडम कितने खुश हैं आज आप? बहुत ही खुश हूँ। अच्छा बहुत तकड़ी खुश हूँ। तो यहाँ पे सही इलाज हुआ है? हाँ सही एकदम एकदम। हाँ। तो बच्चा खुश है, स्वस्थ है? स्वस्थ है। आप ठीक है? बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि शादी के 33 साल बाद एक तरह से बच्चा हुआ है तो दिल में तो पूरी मार तो कोई नई जिंदगी मिली है माने। हाँ। मन तो वेरो ही कोनी के होसी। अच्छा अब बढ़िया काम हो गया हमारा। बहुत बढ़िया हो गया, मैं तो पुठा जवान हो गया। अच्छा तो पहले जैसे अलग अलग जगह गए इलाज कराने? हाँ नहीं हुए इलाज, बहुत कराए इलाज। अच्छा अभी हुए है तो उस पूरा महीना ही गिनती गई निकले मार तो इलाज तुरंत ही हो गया। अच्छा हाँ। तो डॉक्टर यहाँ पे जैसे डॉक्टर अनुराग बिश्नोई है? हाँ। डॉक्टर अमन बिश्नोई है, बहुत बढ़िया है। अच्छा मार तो बहुत ही मारे लिए तो भगवान है। हाँ मन तो दूसरी जिंदगी दी है बच्चों प्राप्त करने की, एक तो मैं ये पालन पोषण में लगा दी, अब दूसरा जवान होया, अब पालांगा बेटे ने। जी ये खूबसूरत है तस्वीर, आप देखिए छोटे से बच्चा है यहाँ पे, एक तरह से जन्म लिया इस बच्चे ने हिसार के बिश्नोई हॉस्पिटल में, और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अनुराग बिश्नोई अमन बिश्नोई उनकी पूरी टीम है, लगातार यहाँ पे संतान सुख प्राप्त करते रहते हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। धन्यवाद जो बने मारो बहुत बहुत हो बापड़ा ने, मारे लिए तो भगवान है मोटा, मैं तो भगवान बराबर ही समझा जी। हाँ जी आप क्या कहेंगे जैसे कि संतान प्राप्त है, बड़े खुश है, मैडम तो एक तरह से भावुक भी हो रहे हैं, उनके तो आंखों में खुशी के आंसू भी झलक रहे हैं। हमारे बहुत ही प्रसन्न है जी, इसके लिए हम बहुत ही प्रसन्न है जी। तो लोगों को क्या कहेंगे, जैसे ना कई बार होता है कि दर दर की ठोकरें खा जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो आप सोचते हैं एक बार अगर यहाँ पे बिश्नोई हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है उस हिसाब से आप संतुष्ट हैं तो लोगों को आग्रह करेंगे? उनको भी प्रेरणा देंगे हमें भैया वहां से तुम इलाज कराओ तो मैं आप सगाड़ ने तैयार हूँ, कोई केस ही नहीं माने तो मेट सागे लेके आवांगा। हाँ इलाज करवावांगा मां लेके आवांगा मैडम को सारा ने उसी देवांगा, और कोई कह को भी मैं दुखी हूँ तो मैं लेके आवांगा। हाँ तो जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई दुखी है कोई ऐसे जो है तो हम अगर हमारे संपर्क में हो तो हम भी रिकमेंड करेंगे यहाँ पर आने के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए। टाइम काट के लेगी आवांगा, विमान ची की करना पड़ा भी मैं टाइम काटांगा मैडम को लेगी आवांगा। जैसे आप पहले अलग अलग जगह गई इलाज के लिए तो वहाँ पे नहीं हुआ तो आपको उम्मीद थी कि यहाँ पे अगर आए तो यहाँ मैं उम्मीद लेके ही आया। अच्छा आगे हॉस्पिटल का हाथ जोड़िया भाई मार तो स्वीकार होया। अच्छा पहल पोती बेबी है मैं तो खुशी हो गई गया, अभी मालिक माने खुशी करके गाली खुश कर गई गया मैं तो जी। तो जी इन्होंने कहा कि जैसे और जगह इलाज कराए यहाँ पे विश्वास था इनको, तो आपको कितना विश्वास था इस हॉस्पिटल में आने से? हमारे को पूरा विश्वास था 100 में से 100 और हम एकदम प्रसन्न है। अच्छा पूरी तरह से खुश? पूरी तरह खुश है। अच्छा मैडम की उम्र कितनी है? इनकी उम्र 50 साल है। 50 साल। आपकी? 54 साल। 54 साल आपकी। तो शादी के 33 साल हो गए थे तब तक, अभी तक आप लोग इंतजार में थे कि बच्चा हो बच्चा हो? हाँ इंतजार में थे, इलाज तो करवाया बन कहीं से हुआ नहीं पहले। तो यहाँ पे आप जब वहाँ नहीं हुआ तो आपको एक उम्मीद है कि अगर यहाँ जाएगा तो? मेरे को नहीं माना उम्मीद ही वे हो इसी मारे। अच्छा हाँ बीत
तारीख हुई नहीं तो माने उम्मीद होगी। अच्छा। पहली बार भी होगी हमारा तो बहुत तकड़ी उम्मीद लगा गई, उम्मीद में ही रह गया मैं तो। अच्छा। खुशी लेके गया, कोई दिक्कत को नहीं आई मारे, अरे बहुत बढ़िया इलाज करियो, मन खुश भी दिया मारे, कोई दुख हो मैडम सागर बांटे मारे। अच्छा। हाँ भी कोई बात को नहीं, थारो इलाज बढ़िया हो, अरे बढ़िया ही हो मारो तो। डॉक्टर साहब बहुत हेल्प करी मारी, मैं दुखी बहुत हो गया यार, बहुत खुश हो गया। चलो हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे थे। हम भी प्रेरणा देंगे लोगों को, हमारी जो साथी है कोई है, इस तरह की कोई समस्या, उनको भी हम कहेंगे ऐसे। तो राजस्थान कहाँ से आप? हनुमानगढ़ जिले से, नौर तहसील में देहीदास गांव है हमारा। अच्छा, देहीदास गांव से है, राजस्थान से है, और अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज पहले कराया है, उसके बाद वहां से संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई। जैसे हिसार में आए, बिश्नोई हॉस्पिटल में इलाज कराया, उसके बाद संतान सुख प्राप्त हुआ है। यहाँ इस हॉस्पिटल की जानकारी आपको कहाँ से मिली? इनकी हमारे को वैसे तो अखबार में हम पढ़ते ही है, वैसे हमने इग्नोर में एक डॉक्टर था, उन्होंने बताया कि वहां से आप में एक डॉक्टर बट मार पोते पोती होया, और फिर मैं मांगन गया नहीं, मैं दुखी हो गया गया मार को नु जे मेहमान बात बताई जबाई के थे बैठा जाओ इसार में, मांगो नाम बतायो, माने एड्रेस दियो, का आज ही जाओ थे, मैं भी हिसाब ही आ गया और जोड़ी भर गई जान लाग रहा जी। हां चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोनों को और बच्ची को भी। अभी भी बहुत वो डॉक्टर है जी का मन राय दी नहीं, वह बेचारा बहुत खुश है। हाँ अभी कहते कोई दिक्कत हुआ तो थे जाओ, वो तो बढ़िया इलाज कराओ, बढ़िया हुए हो थारे। अभी मैं जा गया है, वो पेट पड़े नहीं, जब माने बहुत खुशी दी बेचारे जी। हाँ। जैसे कि शादी होती है उसके बाद ही होता है कि संतान सुख प्राप्त हो, उसके लिए ना परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, रिश्तेदार सबका ही होता है कि शादी के 2-3 साल बाद बच्चा हो। जब शादी के 33-33 साल तक बच्चा ना हो तो कहीं ना कहीं लोग एक तरह से एक दुख में होते हैं, दिमाग से एक तरह से परेशान भी होते हैं, उसी बीच में संतान सुख प्राप्त होता था, खुशी बहुत बड़ी होती है। उसी तरह से खुशी आज यहाँ पर हुई है हिसार के बिश्नोई हॉस्पिटल में, और राजस्थान से परिवार है, यहाँ के इलाज कराया और यहाँ से पूरी तरह से बच्चा भी स्वस्थ है और दोनों स्वस्थ हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं और डॉक्टर ने यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज किया, बहुत अच्छी तरह से यहाँ ट्रीट किया, और इसी उम्मीद के साथ हम आए थे कि अलग अलग जगह इलाज तो कराया लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उम्मीद के साथ आए थे, उम्मीद पर यहाँ की एक तरह से डॉक्टर साहब भी खड़े उतरे और भगवान ने भी सुन ली कि यहाँ आने के बाद संतान प्राप्ति इनको हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हॉस्पिटल में मालिक की बेटी है। हाँ। मालिक जी तो भरोसा है मान तो। अच्छा। मान तो ये लगे मालिक की है, बीमारों की कोनी और मालिक की बेटी है, मान तो मालिक की अरदास करिए।